राजा था। वो राजा बड़ा ही परोपकारी और दयालु था। वो अपनी प्रजा पर कभी भी कोई अत्याचार नहीं करता था, पर वो हमेशा ही परेशान रहा करता था, क्योंकि उसके राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उसके गुण और दोषों को बता सके। सभी राजा की प्रशंसा किया करते थे। तब राजा ने यह फैसला लिया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करेगा जो उसके गुण और दोषों को बता सके। ये सोचकर राजा अपने घोड़े के साथ निकल पड़ता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में। क्या मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मेरे गुण और दोषों को बता सकता है? ये सोचते हुए और कई जगहों की यात्रा करते हुए राजा एक बहुत ही सुंदर बागीचे में पहुंचता है। जितनी देर से चल रहा हूँ, चलते चलते भूख और प्यास दोनों ही लगी है। ये बागीचा कितना सुंदर है। देखता हूँ कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो मुझे पानी या खाना दे सके। कोई है इस बागीचे में? देखता हूँ कौन है। हाँ भाई, आया आया, रुको जरा। पता नहीं कौन है जो इतनी आवाज दे रहा है, चल के देखता हूँ क्या बात है। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? जी, मेरे बागीचे में कुछ फल है जो मैं आपको देता हूँ। ये लीजिए, इससे आपकी भूख और प्यास दोनों ही मिट जाएंगी। बड़े ही स्वादिष्ट फल है ये। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप कौन है राजन? मेरा नाम ब्रह्म है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकला हूँ जो मेरे गुण और दोषों को बता सके, क्योंकि मेरी प्रजा मेरे गुण और दोषों को नहीं बस मेरी प्रशंसा ही करती रहती है। वैसे तुम्हारे फल बहुत ही स्वादिष्ट थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। माली को धन्यवाद देकर राजा अपनी यात्रा में आगे निकल पड़ता है। क्या राजा को वो व्यक्ति मिलेगा जो उनके गुण और दोषों को बता सके? ये सोचते हुए माली पुनः अपने बागीचे की रखवाली और देखभाल करने के लिए आगे बढ़ता है।